जैसे अब ये कैमरा ना इसके आगे ये लेंस लग गया तो वाइड एंगल हो जाता है, तो मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। इतने ट्राइपॉड थे सबसे पहले, और आजकल ना व्यूज वगैरह बहुत ज्यादा कम है, शॉर्ट्स डालो। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त दिन देता हूँ, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी टाइम हो गया है 2:46 हो गए हैं, तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है ना, मतलब कि 3 हफ्ते हो गए चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आई है ना। तो यार कुछ टॉपिक अच्छा सा मिल नहीं रहा था ना, क्योंकि फिर मैं लाइफस्टाइल व्लॉग करना नहीं चाहता था, बट आज एक अच्छा टॉपिक मिल गया है। काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट करते हैं, ये 2 कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप कौन से कैमरे या फ़ोन से वीडियो बनाते हो, या आप कौन से ऐप से एडिट करते हो, पीसी से करते हो, फ़ोन से करते हो। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, तो बने रहो। तो गाइज बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की, कि मैं वीडियो कैसे शूट करता हूँ अपनी। तो मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ आईफोन 12 मिनी से, है ना, ये रहा इसका बॉक्स है ना। तो पहले मेरे पास 6S था, उससे ये वीडियो शूट हो रही है, आपको दिखाता हूँ मैं इसे। तो ये देखो सामने मैंने ट्राइपॉड में लगा रखा है, इससे वीडियो शूट हो रही है। मतलब कि कैमरा की क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक सर्च करोगे ना, जैसे कि चंडीगढ़ में लगा चंडीगढ़ मेला है ना, तो उसके ऊपर आपको 10 वीडियो मिल जाएगी। अगर आपकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, किसी और बंदे की देख लेंगे जो और बंदे ने अच्छे कैमरे से शूट कर रखी होगी। तो कैमरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपके पास जो भी फ़ोन है ना उससे शुरू कर दो, 10-15 वीडियो डाल लो, अपनी व्लॉगिंग स्किल्स को बढ़ाओ थोड़ा सा, उसके बाद आप आगे बढ़ते रहो। तो मैंने भी अभी लिया ये, मतलब कि मैंने फरवरी के अंदर ये फ़ोन लिया है, उससे पहले मेरे पास भी 6S था जिससे ये वीडियो शूट हो रही है। क्योंकि व्लॉगिंग देखो लोगों की कि कैसे कर रहे हैं क्रिएटर, बड़े क्रिएटर कैसे कर रहे हैं सारे, है ना, तो उसके बाद कुछ इन्वेस्ट करो। तो गाइज अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, कि ट्राईपोड यूज़ करना ज़रूरी है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ ना आपकी स्टेबिलिटी अच्छी आ जाएगी। तो मेरे पास कुल इतने ट्राईपोड थे, सबसे पहले मैंने सेल्फी स्टिक के साथ ही स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने ये वाला ट्राईपोड लिया था, फिर उसके बाद एक ये वाला लिया था, ये देखो खुल भी जाता है ये पूरा, ये देखिए ऊपर तक मतलब खुल जाएगा, आपको पीछे दिखाना वीडियो में। और ये ना इसी का पार्ट है, इसके ऊपर लग जाता है, ये निकल गया था। तो ट्राईपोड भी ज़रूरी है। तो गाइज अब आपको बताता हूँ कि ट्राईपोड का यूज़ कैसे करते हैं, वैसे ऑलमोस्ट सबको पता होगा, वैसे फिर भी बता देता हूँ। ट्राईपोड हो गया, ठीक है, इसके ऊपर फ़ोन लगा लिया अपना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। हमेशा बैक कैमरे से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कि आपका ध्यान आपके कैमरे के ऊपर रहे। अगर आप फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करोगे ना, ठीक है, कि आप ना कहीं और देख रहे हो और वाइड एंगल भी नहीं आता फ्रंट कैमरे में किसी के अंदर भी, तो आपको हमेशा बैक कैमरे से वीडियो बनानी है। ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए स्टेबिलिटी भी अच्छी आएगी, और अगर ऐसे चीज़ बतानी है तो आप ऐसे आगे हाथ करके बता सकते हो और ऐसे फिर वापस आ सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि ये पुराना मॉडल था, इसके अंदर ना मैं एक लेंस लगाया करता था, इसके साथ ना वाइड एंगल हो जाया करता था। पहले आपको लेंस लगा के दिखाता हूँ, जैसे अब ये कैमरा है ना, इसके आगे ये लेंस लग गया तो वाइड एंगल हो जाता है। तो आपको दिखाता हूँ पहले इसका एक एग्जाम्पल, देखो यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने, और ये देखो कितना एरिया कैप्चर कर रहा है, पूरा वाइड एंगल हो गया इस लेंस की वजह से। अब मैं इस लेंस को हटा देता हूँ, अब देखो सिर्फ इतना एरिया कवर कर रहा है ये। तो इस लेंस के साथ ना आपका सबका फ़ोन वाइड एंगल बन जाएगा, जिसके फ़ोन के अंदर वाइड एंगल नहीं है, तो आप इसको भी खरीद सकते हो। ये सिर्फ 300 रुपये का आता है, 300-350 रुपये का, और ये हर एक फ़ोन के अंदर लग जाता है। बस जहाँ से आप खरीदोगे ना वहाँ पर लगा के देख लेना है कि आपके फ़ोन के अंदर अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये उनके लिए है जिनके फ़ोन के अंदर वाइड एंगल नहीं है, तो जिसके फ़ोन के अंदर वाइड एंगल है तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, कि वीडियो कैसे एडिट करते हो, कौन से ऐप से एडिट करते हो। तो आपको बताता हूँ कि मैं करता हूँ आई मूवीज से। ये ना आपको आई मूवीज सिर्फ एप्पल के अंदर मिलेगा, एंड्रॉयड के अंदर नहीं मिलेगा। तो इससे इसके साथ मैं करता हूँ अपनी सारी की सारी वीडियो एडिट, शॉर्ट्स भी इसके अंदर ही एडिट करता हूँ, और अपनी लॉन्ग वीडियो भी इसी के अंदर एडिट करता हूँ। मतलब कि ऑलमोस्ट सारी एडिटिंग मैं करता हूँ आई मूवीज से। तो आप अगर आपके पास एप्पल है तो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो अपनी सारी वीडियो, है ना, बड़ा अच्छा है। मतलब इसके अंदर वाटरमार्क भी नहीं आएगा आई मूवीज़ का, और सब कुछ एडिटिंग नॉर्मल, क्योंकि व्लॉग के अंदर ज़्यादा एडिटिंग नहीं चाहिए होती, नॉर्मल एडिटिंग होती है वो इसके अंदर हो जाती है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप काइन मास्टर यूज़ कर सकते हो, पावर डायरेक्टर यूज़ कर सकते हो, है ना, ये लोगो वगैरह उनके आ रहे होंगे,
बाकी यही है यार, एडिटिंग थोड़ी सी आपको यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख के सीखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कटिंग पेस्टिंग ज़्यादा होती है, वो आपको देखनी पड़ेगी। हाँ जी गाइस, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो ये जो इक्विपमेंट मैंने बताए हैं ये सारे आप ले सकते हो, और आपके पास जो भी फ़ोन है ना उससे स्टार्ट कर लो, उसके बाद धीरे धीरे खरीदते रहना। और आजकल ना व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कम है, शॉर्ट्स डालो अगर ज़्यादा डाल सकते हो, लॉन्ग वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं छोटे क्रिएटरों के। बड़े क्रिएटर हैं ना उनके तो आते रहते हैं, बट जो छोटे क्रिएटर हैं हमारे जैसे उनके लॉन्ग वीडियो पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं, इसीलिए शॉर्ट्स ज़्यादा डालो। बाकी अब बोलोगे कि तू खुद तो डालता नहीं है, मैं भी अब चालू करूँगा शॉर्ट्स डालने। तो ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को दे सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं सबको नेक्स्ट व्लॉग।